सबसे पहले आज की इस VBA क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं कि हाउ कैन इंसर्ट द रो एंड कॉलम एंड आल्सो हाउ कैन डिलीट द रो एंड कॉलम इन द एक्सेल शीट यूजिंग द VBA, राइट। तो उसके लिए हम डेवलपर टाइप में जाते हैं और डेवलपर जब में जाके हम करते हैं, एक मिनट में एक माइक्रो इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट माइक्रो विंडोज एंड वी क्रिएट द ओन माइक्रो सब तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर रो इंसर्ट कैसे करेंगे। जैसे हम इधर करते हैं ना, कंट्रोल प्लस कर दीजिए तो इंसर्ट करना होता है। तो अगर मान लो कि अगर आप आपके पास ऐसे कि ये वन एंड रो है, पूरा का पूरा रो इंसर्ट करना चाहते हैं इसमें इस तरीके से, तो कैसे करें? तो उसके लिए होता है कि रेंज, एक पर्टिकुलर रेंज जो आपने ले रखा है A1, V1, C1, उसको सेलेक्ट किया एंड डॉट एंटायर रो डॉट इंसर्ट, ठीक है। एक तो ये हमारा आ गया इंसर्ट। इससे क्या हुआ कि जैसे आप लिख लीजिएगा ना, एक रो इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो गया। तो हमने यहां पे इंटायर रो क्यों लिखा? क्वेश्चन यहां पे उठता है कि यहां पे एंटायर रो क्यों लिखा गया। तो हम यहां पे क्या A1 डॉट इंसर्ट कर सकते हैं कि A1 डॉट इंसर्ट, तो इंसर्ट शिफ्ट, शिफ्ट कहां करना है यार? तो एक तो प्रॉब्लम आ गई कि A1 में क्या इंसर्ट करना है, रो या कॉलम, दिक्कत आ गई। इसलिए हमने एंटायर रो लिया। क्या होता है कि A1 मान लो कि पूरी रो डिलीट करनी है, पूरा रो एक्टिवेट करना है, पूरे रो पे कुछ काम करना है, तो A1 से आप उसकी पूरी रो सिलेक्ट कर सकते हो एंटायर रो लिख। समझ में आया सर? प्रभुदेव जी, रो जो इंसर्ट होता है वो पहला और बाद में कैसा यूज करें? नहीं, मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमने कोड इससे पहले का कोड लिखा हो, क्या किया हमने, हमने बोला read1.entire, राइट। वो समझ में एंटायर रो हम डिलीट करेंगे तो पूरा एंटायर रो आएगा, हिडन करेंगे तो पूरा एंटायर रो हिडन होगा, समझे ना। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब कि कौन सा कॉलम करना या ये करना है, रो करना है, तो हमें इसने बता दिया इंटायर रो, राइट। लेकिन अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट इंसर्ट, इंसर्ट और इसमें आ जाएगा आपका शिफ्ट, शिफ्ट आ रहा है ना। तो शिफ्ट में क्या होना चाहिए, तो मैंने बोल दिया एक्सेल डॉट। अब एक्सेल डाउन क्या है? अब जैसे कि मान ले मैं A1 पे सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस करता हूं, मतलब कि इंसर्ट पे क्लिक करता हूं, तो पूछता है कि इंसर्ट में आपका जो सेल है, जो डेटा है A2, वो आपको नीचे की तरफ डाउन की तरफ शिफ्ट करने हैं या राइट की तरफ शिफ्ट करने हैं। अगर डाउन की तरफ शिफ्ट करेगा तो रो इंसर्ट करेगा, अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट करेगा तो इंसर्ट क्या करेगा, कॉलम इंसर्ट करेगा। मैं बताता हूं, जैसे कि आपके पास नंबर है, इस तरह से नंबर हमने दे दिया, दो नंबर है और यहां भी नंबर है। तो अगर मैं यहां इंसर्ट करने की बात कर रहा हूं तो इस 2 को कहीं ना कहीं तो शिफ्ट करना होगा। अगर हमने अप कर दिया तो देखिए क्या, एक मिनट, अच्छा कंट्रोल प्लस करना था, माफ कीजिएगा, कंट्रोल रूम कंट्रोल डाउन कर दिया हमने, यहां पे कर दिया सेल डाउन कर दिया, तो ये देखिए
ये नीचे आ गया ना, और एक जगह दे दिया आपको क्या सर, आई मैं कंट्रोल प्लस करके अगर मैं करता हूं राइट, तो फिर राइट वाली वैल्यू को खसका दे, समझ गए। तो यही आपको एक्सेल डाउन या एक्सेल राइट लिखना है। लेकिन अगर आप डिलीट करते हो तो रेंज, और यहां पे मैंने बोल दिया कि ए वन डॉट डिलीट। अब यहां पे शिफ्ट आपको देना पड़ेगा। अब शिफ्ट कैसे दोगे, क्योंकि इंसर्ट करने पे कुछ और है और डिलीट करने पे शिफ्ट कुछ और है। क्या इंसर्ट करने पे कुछ और है एंड डिलीट करने पे कुछ और। तो इंसर्ट करने पे क्या होता है डाउन एंड राइट, और डिलीट करने पे क्या होता है लेफ्ट एंड अप, समझ गए। तो अगर मैं डिलीट करूंगा तो अगर मुझे अप करना है तो अप करूंगा, या डाउन करना है तो यहां करूंगा एक्सेल डाउन नहीं होगा लेफ्ट होगा, लेफ्ट एक्सेल टू लेफ्ट, समझ गए। ये तो बात होगी एक पर्टिकुलर सेल को इंसर्ट एंड डिलीट करने की। अगर पूरा रो एंड कॉलम करना चाहते हो तो जो जिस सेल को करना चाहते हैं रो के कॉलम को, किसी एक एड्रेस को लो और इस पे करो एंटायर रो डॉट इंसर्ट एंड रेंज ए वन एंटायर कॉलम इक्वल टू इंसर्ट एंड ऑल्सो डिलीट। अगर डिलीट करना है तो सेम लिखेंगे कि रेंज ए वन डॉट डिलीट, ए वन नहीं वहां पर जगह डॉट एंटायर, एंटायर रो डॉट डिलीट एंड ऑल्सो रेंज ए वन एंटायर कॉलम डॉट डिलीट। एंटायर कॉलम में हम डिलीट के अलावा हिडन भी कर सकते हैं, जैसे रेंज ए वन डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल टू ट्रू, ठीक है। हमने इक्वल टू ट्रू क्यों किया, क्योंकि हिडन जो है वो क्या है प्रॉपर्टी है, इसलिए मुझे इक्वल टू ट्रू करना पड़ा, और अनहिडन करना है इक्वल टू फॉल्स, एंड ऑल्सो कॉलम में भी हम सेम करेंगे, राइट। पंकज जी सॉरी पंकज जी तो लेट आया है, प्रभुदेव जी और रोहित जी कोई डाउट नहीं? नो सर। ये तो बात हो गई सीट इंसर्ट एंड डिलीट करने की, सॉरी रेंज को एक पर्टिकुलर रो को इंसर्ट करना डिलीट करना, ये हमने आपको हाइड करना और अनहाइड करना, ये चीजें हमने आपको सिखाया, राइट। क्लियर है। अब बात करते हैं ऑटो फिट करना। ऑटो फिट जैसे कि मान लीजिए हमको इस डबल क्लिक करके हम ऑटो फिट कर देते हैं ना, ये ऑटो फिट हम कैसे करें, समझ गए। तो इसके लिए भी एंटायर कॉलम वाला मीडियम ही आएगा कि मैं लिखूंगा रेंज नहीं, रेंज भी लिख सकते हैं और कॉलम भी लिख सकते हैं, रेंज भी लिख सकते हैं, रेंज रेंज ए बाई से ए, ए से ए तक डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट,
समझ गए? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉलन कॉलन एस ए, तो माफ कीजिए कॉलन्स होगा, कॉलन नहीं होगा यहां पे, कॉलन्स होगा, कॉलन्स वाई ए डॉट एंटायर कॉलन डॉट आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ऑटो फिट करना आ गया आपको, या फिर अगर मैं किसी प्रॉपर्टी कॉलम कॉलम की हाइट मैनुअल सेट करना चाहती हूं, चाहता हूं कि उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ठीक है, कि मैनुअल कॉलम का विड्थ रो की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो कॉलम की विड्थ की बात अगर करें तो हमें इसमें लेना पड़ेगा कि रेंज डॉट कॉलम विड्थ इक्वल टू पर्टिकुलर नंबर। जब यहां पे कॉलम के विड्थ देते हैं ना राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ, तो कॉलम बेस में उस पर्टिकुलर नंबर को आपको देना हो, ठीक है। ऐसे अगर मैं बात करूं कि मुझे एक पर्टिकुलर रो की हाइट सेट करनी है मैनुअल, कि रो की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो रो की हाइट के लिए कोड क्या होगा, सेम रेंज, जो भी रो आप लेते हो कि 3x3 4x4 रो नंबर होता है ना, जब भी किसी रो को हम सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे ही सिलेक्ट करना होता है। प्रभुदेव आपके पीछे से शोर आ रहा है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए। रो की हाइट डॉट रो की हाइट इक्वल टू एक पर्टिकुलर नंबर आप लिखो, एक तो आप ऑटो फिट कर सकते हो और दूसरा आप मैनुअल हाइट सेट कर सकते हो। समझ गए? क्लियर है? अब हम प्रोटेक्शन मेथड पे बात करते हैं। हम बात करते हैं कि हमें सीट को प्रोटेक्ट करना है विद वीडी, कि नोबडी एंटर एनीथिंग इन द सीट, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो चलिए हम प्रोटेक्शंस के लिए आपको बताते हैं। तो जैसे कि हमें करना है तो पर्टिकुलर सीट करना है, तो सीट वन है, तो सीट वन या सीट का जो भी कॉलिंग मेथड है आप ले लीजिए, प्रोटेक्शंस प्रोटेक्ट, और यहां पे आपने पासवर्ड डाल दिया। अब मैंने इसको प्ले किया तो क्या होगा, अब इस पे कोई भी किसी भी तरह का चेंज नहीं करेगा, राइट। वापस अनप्रोटेक्ट करना है तो अनप्रोटेक्ट का कोड क्या होता है, तो अनप्रोटेक्ट का होता है सीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट। ये तो हमने आपको सीट कॉलिंग मेथड में पढ़ाई थी, राइट, इतना तो पढ़ाया। अब मैं बात करता हूं कि मैं प्रोटेक्शन करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई भी मेरा मेरी सीट को हैंडल टाइट ना कर सके, कि एनीबॉडी कान कॉपी मार्क कीजिएगा, कि हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को कॉपी ना कर सके, लाख कोशिश करके रह जाए लेकिन मेरी डेटा को वो कॉपी ना कर सके, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए भी हम इस तरह के मैक्रो लिख सकते हैं ताकि हमारा डेटा कोई कॉपी ना कर सके। कैसे करेंगे, तो चलिए वही आपको बताते हैं।
तो कॉपी ना कर सके तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सिलेक्शन हटा दे, जब हम प्रोटेक्ट शीट करें तो ये जो अलाउंस होते हैं कि सिलेक्ट द लॉक से या सिलेक्ट द अनलॉक से, इसको यहां से अनचेक कर देते हैं। जब प्रोटेक्ट करेंगे पासवर्ड डालेंगे और यहां से हम ये दोनों चेक्स को हटा देंगे, लेकिन ये चीजें करेंगे कोड के थ्रू। चलिए कोड पे आते हैं। तो सीट वन डॉट प्रोटेक्ट हमने कोड दिया। अब इसमें देखिए ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट, नहीं इसमें ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट कंटेन सिनेरियो ये सब देने का जरूरत नहीं। तो अगर हम चाहते हैं, अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसा टेक्स्ट चेकबॉक्स डालने का सिस्टम नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, तो इसमें जो हम एक्सप्रेस मारते हैं तो कुछ ऐसा नहीं है। ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट कंटेन सिनेरियो यूजर इंटरफेस ओनली, यूजर इंटरफेस ओनली क्या है, यहां पे मैं ट्रू कर देता हूं। अब मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करता हूं, सिलेक्शन फिर भी हो रहा है, कुछ टाइप नहीं कर सकते लेकिन वही प्रोटेक्शन होगी। कुछ चेंज नहीं किया तो इसको ऐसी रहने देते हैं हम। और नीचे हमारा आता है कि शीट वन डॉट, यहां पे होता है अनेबल सिलेक्शन, अनेबल सिलेक्शन इक्वल टू, अब यहां पे क्या होता है कि नो सिलेक्शन, हमने कर दिया नो सिलेक्शन। तो इससे क्या होगा कि प्रोटेक्ट होगा उसके बाद ये सिलेक्शन नहीं कर पाएगा, राइट। तो मैं चाहता हूं कि आप सिलेक्शन करने, अगर सिलेक्शन की हटाएं हम सिर्फ प्रोटेक्ट पे ही हटा सकते हैं कि बिना अनप्रोटेक्ट के भी हटा सकते हैं, तो इसको मैं यहां से डिसेबल कर देता हूं और इसको चेंज करता हूं। नहीं प्रोटेक्शन जरूरी है, प्रोटेक्शन के बाद ही ये एप्लीकेबल होगा, राइट। अब दिक्कत आती है कि हम ये करना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया जो है हमारा इस पे हम टाइप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा एक पर्टिकुलर एरिया है उस पे हम टाइप करें, बाकी वो पे टाइप ना। तो इस पर्टिकुलर एरिया को सबसे पहले हमें प्रोटेक्शन में जाकर उसको अनलॉक करना होगा। प्रोटेक्शन में इसको सिलेक्ट करके जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएंगे और हम यहाँ प्रोटेक्शन में आके हम इसको यहाँ से अनलॉक कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि अब पासवर्ड डालने के बाद इस पे टाइप, लेकिन ये चीजें हम करना चाहते हैं कोडिंग के थ्रू मैनुअली, तो इसके लिए क्या लिखेंगे कोड। इसके लिए कोड होगा कि यहाँ पे शीट टू डॉट, चाहे रेंज पे चले जाते ना, डी थ्री से, जो डी थ्री है हमारा डी थ्री से जी फिफ्टी, डी थ्री से जी फिफ्टी क्या लिखेंगे, रेंज डी थ्री से जी फिफ्टी डॉट लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स इक्वल टू,
फॉल्स। मैं अभी इसको क्या कर देता हूं, उसके बाद मैं करता हूं शीट टू डॉट प्रोटेक्ट और यहां पे पासवर्ड। अब मैं इस मैक्रो को रन करता हूं तो आप देखिएगा कि अब जो है यहां पे टाइपिंग कर पा रहा है बट यहां पे टाइपिंग नहीं कर पा रहा है। समझ गया? मैं चाहता हूं कि मैं सिलेक्शन में सिर्फ जो हमारा अनलॉक एरिया है उस पर करना चाहता हूं कि मैं सिर्फ सिलेक्शन ही इसी एरिया पे करना चाहते हैं, इधर सिलेक्शन ही ना, जितना जहां मैं टाइप करूं वहां सिलेक्शन होना चाहिए। या फिर मैं अगर फॉर्म बना दूं कि मेरे पास मान लीजिए कि यहां है नेम और यहां है रोल नंबर यहां और यहां है मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि जब मैं इस पे इन तीनों के अलावा किसी और चीज पे टाइप ना कर सकूं, सबसे पहले इसका सिलेक्शन अनेबल करना पड़ेगा। तो क्या है ये? ये है D3, C6 एंड D9, ABCD है पूरा। तो इसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, इसको मैं डेट कर देता हूं क्योंकि इसका तो काम हो गया। इसके लिए होगा कि रेंज B3 और कस्टम रेंज सेटिंग के लिए हम कॉमा देते हैं, B3 C6 C6 एंड सेकेंड आता है आपका D9 और हमने बोला कि लॉक्ड, इसकी जो लॉक्ड है वो इक्वल टू फॉल्स होगी, बाय डिफॉल्ट तो लॉक्ड होता ही। और उसके बाद हम बोलते हैं यहां पे C3 डॉट प्रोटेक्ट, माफ कीजिएगा C3 डॉट प्रोटेक्ट और पासवर्ड डाल दिया। और फिर हमने बोला C3 डॉट अनेबल सिलेक्शन इक्वल टू, मैंने यहां पे दे दिया अनलॉक से। तो अब मैं इसको रन करता हूं तो क्या होगा कि मैं अब इसके अलावा कहीं नहीं टाइप कर सकता हूं कि मैं इन तीनों सेल पे ही मेरा कर्सर मूव होगा, इन तीनों सेल के अलावा मेरा कर्सर कहीं मूव नहीं होगा। राइट? समझ में आया सर? तो क्या बोल रही है, पहले हमने उसको लॉक अनलॉक किया, फिर हमने उसको पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया और इसकी जो सिलेक्शन की जो है मैंने सिलेक्शन बोल दी कि ओनली फॉर अनलॉक से, ठीक है सर। अब तीसरा आता है कि मैं चाहता हूं कि एक सीट पे एक से ज्यादा पासवर्ड अप्लाई कर, ठीक है। आप लोगों ने अलाउ यूजर एडिट रेंज का नाम सुना है? हेलो सर, अलाउ एडिट रेंज का नाम सुना है? सर सुना तो है पर यूज में शायद एक दो बार ही किया है कभी। Allow user edit range क्या करता है आप सोचिए, जैसे सीट फ्री है, मैं चाहता हूं कि जो मेरा दो एरिया है येलो एरिया है, अब इसका नाम मैं दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं मान लीजिए U1 यह सर किया है इसका यूज UN और दूसरा एरिया है हमारे पास वो है हमारा
इसका नाम मैंने दे दिया YouTube। मैं चाहता हूं कि U1 का पासवर्ड कुछ और हो और U2 का पासवर्ड कुछ और, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके कहां जाते हैं, रिव्यू में, और यहां होता है अलाउ यूज और एड रेंज, और यहां के रेंज अप्लाई करते हैं, फिर पासवर्ड डालते हैं। तो इसके लिए VBA के लिए हम क्या कोड अप्लाई करेंगे, चलिए हम आपको VBA का कोड बता रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली सीट का पार्ट होता है, तो शीट ये आपका आता है 4 है ना, 4 या जो भी मैं कॉलिंग मेथड ले लीजिए, और यह है प्रोटेक्शन, यह प्रोटेक्शन protections dot allow user edit range, ठीक है, allow edit range, right dot add dot add, और इसके अंदर टाइटल नाम देना चाहते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैंने बोल दिया R1, चाहे range 1 range 2 जो भी दी दो, मैंने दे दिया R/1 R1 range 1, और range as a range की आपका range कौन सा है, तो मैंने यहां पे range की calling method में डाल दिया range U_1, मैंने name, इतने name define कर रखा है ना, name define नहीं कर रखे हो तो आपको पूरा देना पड़ेगा। एंड सेकेंड हमारा आता है पासवर्ड, तो इसका पासवर्ड मैंने कुछ और डाल दिया, ठीक है। अब इसी को कॉपी करते हैं, यहां पे एक और बार पेस्ट करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा range 2, और ये हमारा user 2, और ये हमारा आ जाएगा password 2, राइट। और उसके बाद हम लिख देंगे seed4.protect, पासवर्ड, राइट। अब इसको मैं रन करता हूं, ओके। अब देखिए कि यहां पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते, लेकिन जैसे यहां पे हम टाइप करेंगे मुझसे पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड मैंने डाल दिया तो वी कैन एडिट इट, हम इस पे एडिट कर सकते हैं, बट यहां एडिट करने पे अगेन और जैसे हम फाइल को वापस रीओपन करेंगे तो ये वापस समझ गए। तो ये हमारी प्रोटेक्शंस विथ VBA की, हाउ कैन प्रोटेक्ट योर शीट बाय VBA, समझ गए। प्रभुदेव जी, रोहित जी, को डाउट इसमें ओके। तो लास्ट ये हमारा VBA का फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड सेकेंड पार्ट हमारा है कि यूज द वेरिएबल्स। तो लास्ट क्लास में हमने वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो चलिए वेरिएबल्स से आगे हम चलते हैं। तो वेरिएबल्स से आगे क्या, तो सबसे पहले कि हम वेरिएबल के अलावा, वेरिएबल में हमने आपको बताया था कि मैं डीम इंटीजर स्ट्रिंग वेरिएबल्स इंसर्ट करते हैं और उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, तो दो तरह की होती है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है, एक तो वेरिएबल्स हो गए कि आपने यहां पे कर दिया डीम आर एज ए रेंज, सॉरी माफ कीजिए, आर एज ए रेंज, रेंज बाद में पढ़ाएंगे, आज आर एज ए मैंने कर दिया स्ट्रिंग, ये आर एज मैंने कर दिया इंटीजर, तो R पे आप R इक्वल टू आपने 50 किया और फिर वापस R इक्वल टू आपने 60 किया, तो क्या हुआ पता आपको कि 50 रिप्लेस बाय 60, इस पे आपकी लास्ट वैल्यू ही स्टोर रहेगी। अगर आपको एक वेरिएबल्स पे कई सारे वैल्यू अपलोड करना चाहते हैं तो ये आपका
लास्ट वैल्यू ही रिकवर रखेगा, समझ गया। लेकिन मुझे करना है, मुझे बहुत सारे वैल्यू करना है, तो उस केस में हम वी कैन यूज द एरे मेथड। मतलब कि हमें सिर्फ इसके आगे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे और उसके बाद यहां पे कि आर जीरो इक्वल टू 50, आर वन इक्वल टू 60, ऐसे टी 3, 4, 5, 6, 7 जितना आपका नंबर है उतना इस्तेमाल कर सकते हो। और जहां इसको यूज करना है वहां जैसे मैसेज बॉक्स में शो करना है 60 को, यहां पे कर देंगे MSG बॉक्स और यहां पे हम कॉल करेंगे कि R, R,1, राइट। इसको प्ले कीजिए एक मिनट। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओके ओके 0 to 50। ठीक है, तो यहां पे डिफाइन करना पड़ता है, इसकी लिमिट डिफाइन करनी पड़ता है। माफ कीजिए, ऐसा मेथड जो है VB6 में था, मैं VB6 अप्लाई कर दिया था, जवाब वगैरह में था। ये आपका आ गया कि ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज में इसके अंदर में लिखना पड़ेगा कि आपका आर इक्वल टू। लेकिन ब्रैकेट क्लोज भी यूज होता है, जैसे कि डिम आर, आर नेम करते हैं, यहां पे कर देते हैं के के, और हमने ऐसा कर दिया तो आएगा कि डिम, फिर यहां पे के इक्वल टू के ब्रैकेट 0 इक्वल टू 50, ये स्टोर होना चाहिए। स्क्वायर आउट रेंज मतलब कि क्या यहाँ 1 देने में चलेगा? नहीं, आपको यहाँ पे डिफाइन करना ही पड़ेगा कि 0 to 50 जितना नंबर है उतना आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे। मतलब कि इसमें आपने सिर्फ रो डिफाइन किया होगा, कि आपने इसमें सिर्फ ओनली 4 रो डिफाइन किया है। मैं चाहता हूं कॉलम डिफाइन करना, लेकिन मल्टीपल डायमेंशन एरे बोलते हैं, वो कैसे करें, राइट। तो उसके लिए हमें यहां जो हम वेरिएबल लिए हैं यहां पे कॉमा करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि 0 to, यहां पे 0 to 50 है और मैंने बोल दिया 0 to 5। अब यहां पे 0, 1, 0, 0 इक्वल टू 50 एंड 0, 1 इक्वल टू 60। मतलब ये क्या हो गया कि इसने इस तरह का टेबल बनाया बैकएंड में, जिसमें 50 रो एंड 6 कॉलम है, कि एक कॉलम कहलाएगा 0, एक कॉलम कहलाएगा 1 और दूसरा कॉलम कहलाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा हमारा 4 और हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, और सेम यहां पे ऐसे ही 0, ये हमारा 1, ये हमारा 2, इस तरह से बनेगा। ये चलेगा कहां तक? ये चलेगा 50 तक, राइट। हमने कर दिया 0, हमने कर दिया 0, 0, 50, मतलब कि यहां पे 50 को यहां स्टोर करेगा बैकएंड में। फिर 0, 1, 60, मतलब रो 0 है कॉलम 1 है, तो ये 60 यहां आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सर? रोहित जी, प्रभुदेव जी, अरे समझ में आया? अब इसका इस्तेमाल क्या है?
इसका इस्तेमाल क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हमें पूरी की पूरी सीट की डेटा उठाना होता है और उसको चेक करना होता है और फिर उसको वापस डालना होता है। तो जिस सीक्वेंस में हम उठाएंगे उसी सीक्वेंस में हमें डालना है, समझ गए। तो अगर सीक्वेंस नहीं बिगड़ना चाहिए कि अगर मैं चौथा मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि चौथे नंबर कॉलम से मैं डेटा उठाया है तो रिजल्ट कैलकुलेशन होने के बाद रिजल्ट भी चौथे नंबर कॉलम के पहले नंबर रो पे आना चाहिए। तो जिस फॉर्म में हम डेटा उठाएंगे उसी फॉर्म में डेटा को हम स्टोर भी करेंगे ना। तो फॉर्म बरकरार रहने के लिए हम इस तरह यूज करते हैं कि भाई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। अब जो दिक्कत आती है, एक हो गई आपकी एरे की बात, एरे के बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट कैसे करेंगे यूज। तो ऑब्जेक्ट मतलब कि मैं सिर्फ ये नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं कि dim r एज ए रेंज, मैं ये भी ले सकता हूं। तब क्या होगा, तब मुझे करना पड़ेगा कि सेट r इक्वल टू जो भी रेंज का एरिया है उसको आप सेट कर दीजिए कि A1 से लेके C40 जो भी है आपका। अब मुझे जहां जहां इस A1 से C15 का यूज करना पड़ेगा मैं जस्ट R इस्तेमाल करूंगा। तो R पे देखिए डॉट डालते ही एक्टिवेट डिलीट एड्रेस सब चीज आ रहा है, पूरा एक R एक रेंज बन गया। मैं जिस एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहां नेम डिफाइन करते हैं ना, थाया नेम डिफाइन कर देते हैं R1 V1, तो सेम इस तरह से भी आप एक नेम डिफाइन कर सकते हो इन द VB। अब इसका इस्तेमाल कहां होता है, अब मैंने आपको सिलेक्शन मेथड पढ़ाया था ना कि एक एरिया को आप कैसे सिलेक्ट करो, मान लो उस एरिया पे आपको बहुत सारा काम करना है तो उतना वाला कोड आपको हर जगह लिखना पड़ेगा क्या, तो उस कोड को आप R पे सेट कर दीजिए, एक रेंज पे सेट कर दीजिए, ये आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि अब होने वाला सारा काम उसी पे इस्तेमाल होगा, राइट। दूसरा हम सिर्फ रेंज ही नहीं, हम ये भी ले सकते हैं कि डिम आर 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 मान लीजिए डिम एस एस एज ए वर्कशीट, वर्कशीट्स, और हम सेट कर देंगे कि सेट एस इक्वल टू C1। अब जहां जहां हमें C1 चाहिए वहां आप S1 आएगा, S1 एड लीड दिख रहा है, वो सारा काम कर सकते हैं जो कि हमने यहां किया है। ऐसे में वर्कबुक भी डिफाइन कर सकता हूं कि डिम W as a workbooks, workbook। अब यहां पर देख लीजिए हमने dim as a worksheet कर दिया ना, तो तब ये सेट नहीं होगा, तो गलत हो जाएगा। सेट वर्क शीट सिर्फ करेंगे तो हम शीट जो है कर सकते हैं। देखो यहां पे अरेंज कर सकते, देखिए यहां पे अलग आ गया ना एक्टिवेट सब आ गया। जैसे इस पे वर्क शीट्स आपने लगाया था तो इसमें क्या आ रहा था, एड आ रहा था, डिफरेंस समझ में आया आपको, मतलब वो सर न्यू शीट के लिए प्रॉपर्टी थी, ये जो एग्जिस्टिंग शीट थी उसके लिए प्रॉपर्टी। जैसे कि आप शीट्स करते हो ना, शीट्स डॉट एड करते हो, जो शीट्स पे अप्लाई कर सकते हो वही आप वर्क शीट्स पे अप्लाई करो। अगर हमने वर्क बुक कर लिया तो फिर एक तब हम फाइल सेट कर सकते हैं एक इस वर्कबुक को कि सेट W इक्वल टू एक पर्टिकुलर रेंज कि वर्क बुक्स या एक्टिव वर्कबुक कर दीजिए, एक्टिव वर्क सही रहेगा, कोई पर्टिकुलर वर्कबुक के वर्कबुक का मेथड लीजिए, ठीक है। अब W पे सारे हम चीजें कर सकते हैं। और ऐसे अगर मैं वर्क बुक्स ले लिया
वर्क बुक्स ले लिया तो फिर मैं सेट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना, वो वर्क बुक वाला दो, दो, दो तीन वर्क बुक हो तो क्या, तो दो तीन वर्क बुक दो तीन लेना पड़ेगा आपको, जो असाइन करोगे ना उसे होगा। जैसे यहाँ पे आपके पास दो तीन वैल्यू थे, नहीं यहाँ पे जैसे यहाँ पे दो तीन वैल्यू थे, दो तीन वेरिएबल लिए थे आपने जी, तो सेम ऐसे का दो तीन वर्क बुक का नाम देना पड़ेगा ना। हाँ, दो तीन वेरिएबल्स और हर वेरिएबल्स का अलग अलग नाम देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि एक बार सेट करोगे दूसरा सेट करोगे तो पहला हट जाएगा। मतलब एक्टिव वर्कबुक के लिए वर्कबुक के ब्रैकेट में जो नाम होगा वर्कबुक का वो देना पड़ेगा। हाँ, वर्कबुक्स डॉट नाम जो होता है, जो वर्कबुक की कॉलिंग मेथड है वो डालना है सर, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो बाहर के लेके आते हैं वो भी ले सकते हैं कि डिम, यहाँ पे जैसे कि डिम हमने यहाँ पे कर दिया ओ एज ए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा कि यहां पे हम कर लेंगे सेट ओ इक्वल टू, यहां पे आता है क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और फिर यहां पे जो भी करना, जैसे आउटलुक क्रिएट करना है, आउटलुक का साइन करना है तो आउटलुक डॉट एप्लीकेशन। लेकिन एक चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल बता देता हूं कैसे साइन किया जाता है। तो ए होता है बाहर की चीजों के लिए जो कि एक्सेल से बाहर है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा ऐसे ऑब्जेक्ट कब करते हैं, जब हम डिफाइन करना होता है, या फिर अगर टूल्स, यहां टूल्स पे जाए और रेफरेंस पे जाए और इसका मेथड आप सेट कर ले, जैसे कि मुझे आउटलुक करना है ना, तो मैं यहां से माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का लाइब्रेरी होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 16 ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी दिख रहा है, इसको क्लिक करके अब मैं ओके कर देता हूं। अब मैं यहीं पे कर सकता हूं कि डिम एम एज ए आउटलुक डॉट एप्लीकेशन डायरेक्ट, फिर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इस पे प्रॉब्लम क्या है कि आपको टूल्स में जाके उसको रेफरेंस को सेट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि मुझे अपने सिस्टम के लिए करना है तो वी कैन यूज इट, लेकिन अगर मान लीजिए आपको मेल करनी है तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको आपको भी इसको करना पड़ेगा, वरना एक कोड चलेगा ही नहीं, क्या बोल रहे हैं। तो उस केस में हम इस ऑब्जेक्ट को और इस सेट को लेते हैं, लेकिन इसके बारे में आपको हम डिटेल्स में जो है ना पढ़ाएंगे तो अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग आएगी। तो अभी मैं आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन सिखा रहा था कि ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करें। समझ में आ गया आप लोगों? तो आप लोगों जब मेल वगैरह लेते हो तो ये जो डीम ए ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर सेट क्रिएट ऑब्जेक्ट और डॉट एप्लीकेशन, वर्ड डॉट एप्लीकेशन, एक्सेस डॉट एप्लीकेशन, इस तरह से लिया जाता है, तो क्या होता है ये आपको मैं समझा। आप नीचे ओ पे अपना हम मेल क्रिएट करेंगे और मेल में, या फिर एम पे मेल क्रिएट करेंगे और मेल भेजेंगे और मेल अलग कोड को अपना अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके बारे में हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, राइट? ओके, तो कल की जो टॉपिक रहेगी हमारी, वो कल की टॉपिक रहेगी जिसमें हम आपको बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे हम डेटा हैंडलिंग के बारे में जो एक्सेल का मेथड होगा, और दूसरा हम आपके साथ ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड एक पर्टिकुलर प्रोसीजर असाइनमेंट, एक काम जो है इवेंट असाइनमेंट इन वेरिएबल्स पे कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस, ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय।